कानपुर से बड़ी खबर, नौबस्ता थाना के मछरिया में मदरसे में किया मौलवी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म। आज सुबह मेरी बच्ची को कारी साहब ने 8 बजे कॉल किया और बोला कि मुझे कुछ फॉर्म भरवाना है, बैंक का काम है, आप आ जाइए। तो वो चली गई और 10 बजे वहाँ से वो रोते हुए आई और बोलती है उन्होंने मेरे साथ दुष्ट कर्म किया। अब मत बोलती हूँ, योगी जी से ये पूछना चाहती कि उनके प्लान में हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, क्या कर रहे हैं अपनी सरकार बना के जहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, यही होगा इस देश में। आप नवस्था थाने आई हुई है, यहाँ पर क्या आरोपी पकड़ लिए गए? पकड़ लिए। अब आप क्या मांग कर रही हैं? हम कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं उसके लिए, जो किसी कानून में ना वो सजा उसको दी जाए, हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए। से अगर यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो मोदी को, योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है, पहले अलीगढ़, फिर हमीरपुर, आज तीसरा कांड है कानपुर। आज हमारी बच्चियां सुरक्षित अपने घर में तो मुक्त। आप पीड़िता की कौन है? अब उसकी वालदा है। आप क्या चाह रही हैं? हमें इंसाफ चाहिए। ये आपने अभी पैसे की बात कही, कुछ लोग कह रहे हैं पैसा देकर इसको यहीं पर दबा दो, क्या मामला था पूरा? उनकी मामी भी फोन करी है जो मदरसा जलाती है। जी, नाम बताइए। नाम बताइए। नाम क्या नाम है? नाम क्या है? उनका नाम क्या है? कोई बात नहीं, तो क्या कह रही थी वो? मामला यहीं दबा दो, बात को खत्म कर दो। कहने लगी 2.5-3 लाख रुपए आप ले लीजिए, बात इसको दबा दीजिए, आकर मसला सुलह कर लीजिए, थाने नहीं जाइए। हम लोग ने कहा थाने जाएंगे, मसला वहाँ सुलह नहीं करेंगे। आज इनकी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और की बच्ची के साथ हुआ जी। और वहाँ लड़कियाँ आलमा करती हैं, टोटल लड़कियाँ आलमा करती हैं। आज छुट्टी थी रमजान शरीफ की, बच्चियाँ अपने अपने घर थी। ये कारी साहब अभी ईद के बाद आए हुए तो इनके घर गए, कहने लगे अब खुलने जा रहा है वहाँ, तो आइए, तो बच्ची को नहीं भेजेंगे। तो कल रात में फ़ोन करा, कहने लगे फॉर्म हम भरना है, भेज दीजिए बच्ची को। तो सुबह 5:30 बजे फ़ोन करा, कहने लगे बच्ची को भेज दीजिए। तो बच्ची 8 बजे गई अकेले, कहने लगी चलिए भरोसेमंद पे गई बच्ची, कहने लगी चलिए फॉर्म हम भराएंगे। तो वहाँ बदतमीजी की हरकतें करने लगे वो, तो बच्ची जब भागने लगी तो अंदर उन्हें दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा पूरी तरीके बंद करे रह रहे हैं। फिर बड़बड़ाई तो वो दूसरा दरवाज़ा खोली तो वहाँ से लॉक कर दिया दरवाज़ा, नहीं खोल लिया तो बच्ची बाहर का दरवाज़ा बड़बड़ाई तो वो समझे पड़ोसी सुन लेंगे। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बच्ची रोड पे भागने लगी, तो वो कारी साहब पीछे गाड़ी से दौड़ाने लगे उसको, कहने लगे अपने घर नहीं जा, जितना पैसा चाहिए पैसा ले लेना। तो इनके पास फिर फ़ोन करा, कहने लगे पैसा आपको जितना चाहिए पैसा ले लीजिए। उनके रिश्तेदार ने भी करा और 2-3 कारी साहब हैं, उनने भी फ़ोन करा, कहने लगे 6 बजे बैठ के मसला हल कर लीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए पैसा ले लीजिए। कल को ये थाने में पैसा देकर मसला हल कर लें तो हम लोग की क्या सुनवाई होगी, ये बताइए आप लोग? कोई सुनवाई नहीं होगी। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं भाई, इंसाफ मिलिए जी भाई, यही चाहिए। जिस मदरसे में बच्ची जाती थी उस मदरसे क्या नाम है? मदरसे का क्या नाम था? गुलशने फातिमा। और जिस मौलाना ने ये काम किया है उस मौलाना का क्या नाम था? जावेद कारी। जावेद कारी।